सलीमगढ़ के किले में कैद तनहा जीवन गुजारती हुई एक मुगल शहजादी जेबोनिशा का दर्द छलक उठता है और वे कह पड़ती हैं कि ये इश्क की कीमत है जिसे मैं अदा कर रही हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात तो देखिए, औरंगजेब ने बाहरी लोगों से इश्क पर जब पाबंदी लगा दी तो वो कृष्ण की दीवानी हो गई। मुगल राजकुमारी जेबोनिशा एक ऐसी राजकुमारी थी जो अपने पिता औरंगजेब के डर से अपना नाम बदल कर यानी जेबोनिशा की जगह मक्फी के नाम से और साथ ही अपने चेहरे को ढककर कभी गोष्ठियों और महफिलों में शिरकत किया करती थी। मुगल राजकुमारी जेबोनिशा की कहानी उन राजकुमारियों और मुगल शहजादियों और बेगमों से बिल्कुल अलग है जिनकी कहानियां सुन सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। वो बहुत बड़ी पोइट्रेस थी यानी कवित्री थी, भाषा पर ऐसी पकड़ कि बड़े बड़े कवि शायर लेखकों को भी आश्चर्य हो जाता था जब वो उनके साथ सम्मेलन और मुशायरों में मुकाबला किया करती थी। वो विटी थी, शार्प मेमोरी थी उनकी, वो ओपिनियनेटेड वुमन थी, काफी क्यूरियस और करेजियस थी, यानी हर क्षेत्र के निपुणताओं में वो मुगल शहजादी और बेगमों से दो कदम आगे ही थी। फिर भी इतिहास में उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाया। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेबोनिशा के बारे में जो औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री थी। लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जेबोनिशा औरंगजेब और दिलरास बेगम की बहुत ही प्रिय पुत्री थी। उनका जन्म 1638 में हुआ था। बचपन से ही उनकी पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि थी। कहते हैं कि हाफिजा मरियम के सागिर्दी में उन्होंने 7 साल की उम्र में ही कुरान को पढ़कर याद कर डाला था और औरंगजेब ने भी एक प्राउड फादर की तरह जेबोनिशा की इस कामयाबी को सेलिब्रेट भी किया था। 30,000 मोहर बांटे गए और 2 दिन तक छुट्टी की घोषणा की गई। अपनी पुत्री के पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा रुचि देखकर औरंगजेब भी काफी खुश था और उसने ये ऐलान किया कि 4 लाख सोने की सरफियां जेबोनिशा को दिया जाएगा। इस पैसे का उपयोग वो बाहर से किताबें मंगवाने में किया करती थी। वो बहुत क्यूरियस थी और आसपास की चीजों को जानने में काफी रुचि रखती थी। यही कारण है कि उसने कई ग्रंथों का अनुवाद कराना शुरू किया ताकि वो उसे पढ़ सके और एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर इन सभी विषयों का उन्होंने अध्ययन किया। उर्दू, पर्शियन और अरबिक भाषा पर इतनी मजबूत पकड़ थी उनकी कि बड़े बड़े शायर जैसे घनी कश्मीरी, नियामतुल्ला खान, अकील खान जैसे बड़े बड़े शायरों को भी आश्चर्य होता था जब भी वो उसे देखते थे मुशायरों या कवि गोष्ठियों में। वो मुगल सल्तनत के कानून के बारे में भी जानने को काफी जिज्ञासु थी। यही कारण है कि औरंगजेब को वो सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया करती थी। लेकिन ये भी बात सच है कि वो दरबार में जब भी आती थी अपने चेहरे को पर्दे से ढकी रहती थी। कुरान पढ़ने के बाद धर्म के बारे में वो अपना एक अलग ओपिनियन रखती थी और उनका झुकाव सूफिज्म की तरफ ज्यादा था। वो विश्वास करती थी कि अल्लाह की बनाई गई ये दुनिया है जिसमें सभी इंसान बराबर हैं और हर इंसान को हर इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए। वो कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष, अपने धर्म का हो या गैर धर्म का, सभी अल्लाह के बंदे हैं और सभी अल्लाह की बनाई गई इस दुनिया में रह रहे हैं, तो जब मोहब्बत करेंगे आपस में तभी वो अल्लाह से मोहब्बत कर पाएंगे। उनका कहना था कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रेम की मूर्ति यानी इमेज ऑफ लव के आगे सर झुकाती हूँ। मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ क्योंकि सैक्रेड थ्रेड यानी जनेऊ को अपने से दूर रखना चाहती हूँ। मैं इंसान हूँ और इंसान से मोहब्बत करना चाहती हूँ। यहाँ पर गौरतलब है कि औरंगजेब इससे बिल्कुल अलग था क्योंकि इतिहास गवाह है कि औरंगजेब की धर्मांधता और कट्टरता किस हद तक लोगों को परेशान कर रही थी। जेबोनिशा द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध कविता संग्रह दीवानी मक्फी द हिडन वन जिसमें 5000 वर्सेस है यानी 5000 कविताओं का संग्रह है। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से महिलाओं के लिबास में कुर्ती का प्रचलन उन्हीं की देन मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जेबोनिशा की कविताएं अक्सर बेपनाह प्यार के ख्वाहिश का इजहार किया करती थी। लेकिन इस राजकुमारी के लव लाइफ को इतिहास में महत्व ही नहीं दिया गया है क्योंकि उस समय के समकालीन कोर्ट हिस्टोरियन की इतनी जुर्रत और हिम्मत ही नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि जेबोनिशा बुंदेला राजा छत्रसाल से प्रभावित हो गई थी लेकिन छत्रसाल ने उनके प्रेम को तवज्जो ही नहीं दी। दूसरी कहानी है जेबोनिशा छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व से इतनी मोहित हो गई थी कि जब छत्रपति शिवाजी आगरा आए थे तो उन्हें विवाह का प्रस्ताव तक भिजवा दिया था लेकिन शिवाजी ने अस्वीकार कर दिया था।
तीसरी बार उन्हें शायर अकील खान से मोहब्बत हो गई तो औरंगजेब आग बगला हो उठा और उसने अकील खान को हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया। और जेबुन्निसा को इस गुस्ताखी के लिए दिल्ली के पास स्थित सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया। और किले में ही कैद रहकर ही वो औरंगजेब द्वारा गैर मुस्लिम पर अत्याचार की कहानी को सुनती रही और काफ़ी दुखी रहने लगी। उनका झुकाव धीरे धीरे कृष्ण की ओर होने लगा और वो कृष्ण की दीवानी हो गई और कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। कैद में ही गजलें, शेर और रुबाइयां लिखती रही। 20 साल के कैद के दौरान उन्होंने 5000 रचनाएं की, जिसे दीवान ई मकबी के रूप में जाना जाता है। 20 साल के कैद और अकेलेपन को झेलते हुए अंत में 1702 में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि आज भी सलीमगढ़ के किले में उनकी रूह बसती है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।